अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवी मुंबई जिला के महासचिव दत्ता माने जी हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। चलते हैं दत्ता माने जी के पास और हम बताएंगे। ये काफ़ी जो है एक्टिव नेता है नवी मुंबई जिला में, बड़े अच्छे लीडरों में इनका शुमार है दोस्तों। तो चलते हैं जो है दत्ता माने जी के पास। माने जी, निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा एक सवाल है आपसे जी। अभी तो महाराष्ट्र राज्य में शिंदे सेना और भाजपा की सरकार है जी, और इससे पहले आपकी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी जिसका नाम दिया था महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी सरकार आप सब मिलजुल के बनाए थे जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना थी। तो अभी आप सरकार में नहीं हैं और 6 महीना पहले जबकि आप सरकार में थे जी, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं जब आप किसी पीड़ित को लेकर पुलिस चौकी में जाते थे, जब सत्ता में थे आप, जब आपकी पार्टी जो है सत्ता में थी, उस वक्त आप जब कोई मामले को लेकर पुलिस चौकी में जाते थे या शासन प्रशासन के किसी भी कार्यालय में जाते थे, ऑफिसरों के तरफ से जो आपको रिस्पांस मिलता था, और अब जब जाते हो तो क्या रिस्पांस मिलता है, इसके बारे में जो है सत्ता का क्या महत्व है और अपोजिशन में रह के क्या महत्व मिलता है प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार चल रही है इसको हम ईडी सरकार कहते हैं। ई से एकनाथ शिंदे होते हैं और डी से जो होता है देवेंद्र फडणवीस। क्या बात है। हाँ। तो ईडी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में और ये जो सरकार बनी है, ये सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ है ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। रही आपने जो हमें सवाल किया कि 6 महीने पहले हमारी जो सरकार थी उस वक्त पुलिस थाने में या और कोई सरकारी कार्यालय में, स्थापना में जब हम जाते थे तो क्या होता था और अब क्या हो रहा है। अब यही हो रहा है कि जैसे पहले हम सत्ता में थे, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस सरकार में एक दबाव था। दबाव ये था कि लोगों के कार्य होने चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी के, आज भी कहीं भी कुछ भी होता है, अगर सोसाइटी में भी कुछ भी तकलीफ किसी को भी होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन पहले जो सम्मानजनक बातें पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारी करते थे आज वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, ये जो ईडी सरकार आई है, ईडी सरकार ने अपने अपने, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उन्होंने सब बदलियां हुई है पुलिस थानों की, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हो चाहे ACP DCP कमिश्नरों की जो बदलियां हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि सत्ताधारियों ने अपने मर्जी के लोग वहाँ पे बिठाए हैं और अपनी मर्जी के लोग बिठाने की वजह से उनके काम होंगे और जो विरोधी में हम बैठे हैं आज उनके काम नहीं होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे राज्य में, जिस राज्य में राज्य का महामहिम राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल हो, उस राज्य के खिलाफ बात करता हो, उस राज्य की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे राज्य के सत्ताधारियों से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। तो ये तो हर पार्टी, जब भी किसी पार्टी की सत्ता आती है किसी स्टेट में या फिर राष्ट्र लेवल पे, तो होता तो यही है कि जिसकी सत्ता रहती है वो अपनी मनमानी चलाता है, अपने मन मुताबिक जो है अपने सुविधा के हिसाब से ऑफिसरों की नियुक्ति करता है। तो आपके सरकार में भी तो ये हुआ है कि मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी जम के अपने हिसाब से अपने सुविधाजनक जो है ऑफिसरों की नियुक्ति किया है। आप देखोगे हमारे महाविकास आघाड़ी के सत्ता के कार्यकाल में
किसी भी गरीब इंसान पर या मजबूर इंसान पर कोई अन्याय हो तो आप दिखाइए, एक आदमी दिखाइए। जब हमारे कार्यकर्ता से भी कुछ गलती होती थी तो हमारे जो नेता है वो उनको डांटते थे और उनको भी सज़ा हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ अच्छी तरह से जो है हमारे पुलिस प्रशासन से सहयोग मिलता था, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत है तो गलत है, हम लोग गलत का सहयोग देने वाले लोग पार्टी नहीं है हमारी। अच्छा, आपने एक बात कही कि ईडी सरकार है जी, ई से एकनाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस जी, तो आप जो है आपका निशाना भाजपा पर है जी, तो आपकी पार्टी के जो मुखिया है शरद पवार जी, आपकी पार्टी का और प्रफुल्ल पटेल जी है, जयंत पाटिल जी, इन लोगों के भी भाजपा से बड़े अच्छे संबंध है। ये लोगों ने भी, ये भी हमेशा ऐसा लगता है मुंह खोल के बैठे हैं जो है भाजपा से हाथ मिलाने के लिए, और आप बोलते हैं ईडी सरकार है और भाजपा पे निशाना साधते रहते हैं, हर न्यूज में मैं आपको देखता हूँ तो आप भाजपा पर निशाना साधते रहते, लेकिन आपके बड़े नेता तो हमेशा भाजपा के साथ जुड़ने के लिए मुंह बाएं खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हर नेता के, हर पार्टी के अपने अपने संबंध होते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक नेता का मैं नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उनके बेटे की शादी थी, उस शादी में सबको न्योता था, सब लोग गए थे। अब मैं भी हूँ, मेरे भी कई लोगों से अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे वो घरेलू संबंध है, लेकिन राजनीति अपनी जगह होती है और घरेलू संबंध अलग जगह होते हैं। ये नहीं कि अगर हमारे पवार साहब अगर गडकरी साहब से मिलते हैं तो कुछ कि भाजपा से हाथ मिलाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज केंद्र में भाजपा की सत्ता है, अगर महाराष्ट्र के भले के लिए या कुछ अगर हमारी मांगे हैं तो हम लोग उनके पास ही जाएंगे ना। अगर बात करनी है, कुछ मांगना है, आज सत्ता में वो बैठे हैं तो उनसे तो हमारा रिलेशन मतलब रखना ही होगा। अच्छा वाले साहब, आपने एक जिक्र किया कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं महामहिम कोश्यारी जी, भगत कोश्यारी जी, जी, उन्होंने जो महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया था या उनके भावनाओं के साथ खेला था, भी आपने जिक्र किया जी, तो उनके इस वक्तव्य के खिलाफ आप लोगों ने नवी मुंबई में बहुत बड़ा आंदोलन किया जी, था जी, और उस आंदोलन में जो है आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठी भी बरसाई थी, ऐसा सुनने में आई थी बात। हाँ। तो मतलब आगे आंदोलन कहाँ तक बढ़ा या वहीं पे आप लोग सीमित कर दिए, वहीं खत्म कर दिए क्या? मैं इसका उत्तर आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देता हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा ये राज्यपाल नहीं है, ये भाज्यपाल है, क्योंकि भाजपा के राज्यपाल बोल रहे हैं आप, किसी राज्यपाल को भाजपाल बोल रहे हैं, मैं ये शोभा नहीं दे रहा। नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी से ये वक्तव्य कर रहा हूं कि वो राज्यपाल नहीं भाज्यपाल है, क्योंकि भाजपा के इशारे पर वो चलते हैं, जो स्क्रिप्ट भाजपा के लोग देते हैं वही स्क्रिप्ट ये पढ़कर बताते हैं। अभी जिस महाराष्ट्र के वे राज्यपाल है, महामहिम है, उन्होंने उस राज्य का आदर रखना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक एक अगर बताऊं, चार बातें बताऊंगा। एक बात बताऊंगा, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस सरकार के में 12 विधायकों की नियुक्ति के लिए पत्र दिया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई की नहीं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो हमारे सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में गलत बयान किया। उन्होंने ये बयान किया था कि उनकी शादी तो छोटे उम्र में हुई थी, वो क्या करते होंगे, क्या ये महामहिम राज्यपाल को शोभा देता है? दूसरी बात उन्होंने कही क्या इसके बारे में कि महाराष्ट्र के मुंबई फुले के विषय में जब उन्होंने ये वक्तव्य जाहिर किया था तो उस वक्त सरकार में आप लोग थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? हमने विरोध किया था, हमने विरोध जताया था, लेकिन केंद्र में उनका जो जो महामहिम के भी ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद से वो बैठे हैं, तो हम क्या करें? हम तो आंदोलन कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात उन्होंने कही इस महाराष्ट्र के मुंबई और थाने से अगर गुजराती मारवाड़ी के लोग चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में ये मतलब खाली हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, ये कौन सी बात हो गई? आज महाराष्ट्र में पूरे राष्ट्र के लोग आकर यहाँ बसते हैं, एक साथ रहते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, और उसके बारे में आप ऐसी बात करते हो?
तीसरी बात इन्होंने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कही, जो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक हम देवता के रूप में उसको जानते हैं, हम मानते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बात करते हैं कि उनकी तुलना वो एक यहाँ के अभी के जो नेता है उनके साथ तुलना करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। हम इनके खिलाफ आंदोलन किए हैं और पुलिस ने हमको थोड़ा सोचा था कि कुछ अगर हम मतलब हमको बताया था कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो हम आपको खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने ऐसी कोई ऐसी किया नहीं, क्योंकि हम लोग जो है जो भारतीय राजघटना ने हमको जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार के तहत हम आंदोलन करते हैं। हम ये नहीं कि गाड़ी जला दिए या कुछ कहीं पत्थरबाजी की, ऐसा काम हम राष्ट्रवादी के कोई कार्यकर्ता नहीं करता है। हमारे जो नवी मुंबई के जो अध्यक्ष हैं, नवी मुंबई जिला अध्यक्ष श्री नामदेव जी भगत, उनके नेतृत्व में आज नवी मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे इलेक्शन होंगे उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब का जो गठ है और दूसरा कांग्रेस आए, ये तीनों पक्ष हम लोग जो पार्टी है महाविकास आघाड़ी की तरफ से मजबूत रूप से उभरेगी और आप देखोगे कि महापौर जो है नवी मुंबई का ये महाविकास आघाड़ी का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानी जी हमसे बात करने के लिए जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।